हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जारी किए गए नए ऑर्डर के बारे में। आपको पता होगा कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसे कहने की पिटीशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहले फाइल की गई थी, और हाल ही में एक और मामला देखने के लिए मिला था जहां पर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 2018 से लेकर 2023 तक के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हुए थे, और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के भविष्य में क्या आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर बीएड और बीटीसी का अब क्या होगा, इस मामले पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैंने आप सभी को बताया था कि 2018 से लेकर 2023 तक के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कुछ हुआ है तो वो इसी बीच हुआ है जो 2018 से लेकर 2023 तक बीएड किए थे। हालांकि 24 आते आते ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ये बात पता चल गई थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक में बीएड करने के बाद शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल था कि वो चाहते तो यहाँ पे बीएड के अलावा कोई ऐसा कोर्स कर सकते थे जो उनको कहने की बीएड के अलावा शिक्षक बनाने की योग्यता देता है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए तो आसान हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए बढ़ी, उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद से बीएड करना शुरू कर दिया था, ये इस उम्मीद में कि अगर वो बीएड करते हैं तो 100% शिक्षक बनने की जो संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी में आ जाने के बाद बीएड के पास बहुत सारे ऐसे मौके मिल गए थे, चाहे वो एलटी टीजीटी, ये उनके लिए एक ऑप्शनल जैसे लगते थे, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब ये था कि उनको एक मौका मिल सकता था इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सीटें इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन अब जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए, तो ये इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का घात देखने के लिए मिला या झटका लगा। अब उसके बाद में जब हाल ही में अप्रैल के अंदर एक और आदेश आता है जहां पे चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट ने सेफ कर दिया, ये कहते हुए कि अगर इनको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम दी गई है तो इनको बना करके रखा जाए, अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं दी गई है तो इनको बाहर कर दिया जाए। अब ये तो डिसीज़न हो गया जब यहाँ पर देखने के लिए मिला, लेकिन अब हाल ही में एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये 2018 से लेकर 2023 के जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखने के लिए मिलता है। उस पर क्या होता है उसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे हाल ही में लोक अदालत को लेकर मैंने आप सभी को बताया था, और लोक अदालत के बारे में यहाँ पे सुनवाई जो है वो ख़त्म हो गई है। सुनवाई ख़त्म होने के बाद में इस मामले पे क्या डिसीज़न दिया गया है बीएड को लेकर और बीएड के संबंध में क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो सुनवाई देखने के लिए मिली वो ऑनलाइन थी, मैं आपको बता दूँ मैंने इसके बारे में कल जानकारी नहीं दे पाया, थोड़ा सा मैं बिजी था, शाम को फ्री हुआ तो फिर अभ्यर्थी फाइनल में बिजी हो गए थे, मुझे बताया कि उनका फाइनल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे समय न मिल पाने की वजह से मैं जानकारी नहीं दे पाया था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपने जो पैरवी रखने के लिए जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं लोक अदालत के अंदर, जब उनको ऑनलाइन मोड में बुलाया जाता है, वर्चुअल मोड में शामिल होते हैं, तो वो यहाँ पे अपना जो मामला है वो रखते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे वैलिड किए गए थे, और ये नोटिफिकेशन एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से जारी किया गया था। एनसीटीई के पास ये राइट है कि वो जो शिक्षक भर्ती से संबंधित योग्यता है उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं, यानी कि नई योग्यता बना सकते हैं, जैसे कि हाल ही में उन्होंने आईटीईपी
जो इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स है उसको बना दिया है ना। तो ऐसे ही 28 जून 2018 को बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया। तो उन्होंने उसमें कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उससे पहले अपर की वैकेंसी यानी कि सेकेंडरी जो विद्यालय होते हैं माध्यमिक विद्यालय या अपर प्राइमरी जो वैकेंसी होती है उसमें शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी के अंदर भी सम्मिलित किया गया और ये कहा गया कि उनको 6th मंथ का जो बेज कोर्स है वो करवाया जाएगा और उसके आधार पे वो प्राइमरी में वैलिड हो जाएंगे। तो लोक अदालत के अंदर लगभग 30 से 35 मिनट जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया। ज़्यादातर लोक अदालत में दो ऑप्शन होते हैं, पहला तो ये या तो वो खुद से अपना पक्ष रख लें या किसी अधिवक्ता को भी रख सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत के अंदर जो रिटायर्ड जज होते हैं वही बैठते हैं और ज़्यादातर वो मामलों को सुनने की कोशिश करते हैं। जो पटिशनर हैं अगर वो अपने मुंह से इस बात को रखेंगे तो निश्चित तौर पे महसूस होता है कि मामला गंभीर है। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट की सुनवाई होने के बाद जो जजेस हैं उन्होंने इस कोर्ट को लेकर या इस सुनवाई को लेकर ये पाया, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है देखने में तो लग रहा था कि लोक अदालत में फाइनल हो सकता है, लेकिन इस मामले के अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऑर्डर दे दिए हैं और लोक अदालत में इस मामले पर रेगुलर या फाइनल सुनवाई कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता है और अपनी जो बहस है वो की जा सकती है। यानी कि लोक अदालत का ये मानना है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ज़्यादातर लोक अदालत के अंदर जो सुनवाइयाँ होती हैं आप चाहे जिला स्तर पे देख लो, अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी तो जिला स्तर पे भी एक लोक अदालत लगती है, हाई कोर्ट स्तर पे हर एक तरीके में लगती है, बैंक को लेकर भी ऐसी लगती है ना। तो ये ज़्यादातर जो लोक अदालत देखने के लिए मिलती है ये जो मामले को सेटलमेंट करते हैं, समझौते कराने की कोशिश की जाती है आमतौर पर। अब चाहे वो समझौता किसी प्रकार का रहा हो या किसी प्रकार से, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे एक नोन में वकील हैं, उनका काम ही लोक अदालत के अंदर है, वो लोक अदालत में ही जाते हैं और ज़्यादातर केसेस उनके पास कैसे आते हैं, जो छोटे लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें डिवोर्स के केसेस आते हैं या इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनसे संबंधित जो सेटलमेंट है वो मोस्टली, जब मैंने उनसे जाना और उन्होंने बताया अभी कई बार अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो उनका कहना ये है कि लोक अदालत में ज़्यादातर जो होता है वो समझौते ही देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं, दोनों पार्टियों को बिठा करके सेटलमेंट करा दिया जाता है। ये एक लोक अदालत है और यहाँ पर जो लोक अदालत में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है ये सेटलमेंट से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि बीटीसी खुद नहीं चाहते कोई सेटलमेंट हो, क्योंकि उनको तो पता है सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में ऑर्डर दे दिया है। अब वो ऑर्डर आ जाने के बाद वो सेटलमेंट जैसी बातें आ नहीं सकती। तो लोक अदालत में अभ्यर्थी गए थे बीएड करने वाले अभ्यर्थी मांग को लेकर, लेकिन वहाँ पर इस मामले को सुनवाई करने के बाद उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के आदेश दे दिए हैं। देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कब सुनवाई होती है। आपको पता होना चाहिए कि अभ्यर्थियों ने रिव्यू के लिए याचिका दाखिल की थी, अभी भी उस मामले पर सुनवाई होना बाकी है। तो फिलहाल ये हो जाती है लोक अदालत को लेकर पूरी सुनवाई का ब्यौरा जो आपको देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।